So, a very good evening to everyone. एक गाना था पुराने जमाने की पिक्चर में, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार और पांचवा मौसम प्यार का। आहा, वो मौसम तो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। बहरहाल आज पतझड़ की बात करते हैं। एक गाना और भी है शाहरुख खान की पिक्चर दिल से का, वो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से गिरते हैं, पेड़ों की शाखों से उतरे हैं, फिर कितने मौसम गुजरे वो पत्ते वो बेचारे, फिर उठने की चाहत में, पता नहीं ऐसे गाना बड़ा बढ़िया है, दिल से रे दिल से रे। अब आप ये समझने का प्रयास करिए कि पतझड़ क्या है, पत्तियां पेड़ से क्यों गिर जाती हैं। तो वो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा ये वाला हार्मोन है, वैसे है सब कुछ केमिकल, वो दिमाग सही लगाया उन्होंने कि एब्सेसिक एसिड बनेगा फिर पत्तियां गिर जाएंगी, एब्सेशन होगी, डेसिडियस फॉरेस्ट में साल में एक बार पत्ती गिरेंगी या दो बार भी गिर सकती हैं कुछ पेड़ पौधों में, तो इस तरीके से काम चलेगा। तो ये पत्ती जब पेड़ में लगी होती है, जब ये पीली पड़ जाती है तो ये पेड़ से गिर जाती है, ठीक है, समझ गए आप क्या होता है। जब पेड़ से पत्ती लगी होती है, जब वो पीली हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो गिर जाती है। तो इसमें क्या खास बात है, तो इसमें क्या खास है, गिरो तो जानो खास है, गिरो तो जानो। देखो जाने मन मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो, जब तुम्हारे सारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, सारे डिजायर्स, तो तुम्हारी बॉडी भी वैसे ही गिर जाएगी जैसे पतझड़ में पत्ती गिरती है पेड़ से, या सूखी या पीली होने पर पत्ती पेड़ से गिर जाती है बिना दर्द के, क्योंकि जब मृत्यु होती है व्यक्ति की तो बहुत दर्द होता है, मैंने सुना है। लेकिन अगर तुम्हारी मृत्यु ना होकर के अगर तुम अपने आप को कंट्रोल कर ले गए सारे डिज़ायर्स को, तो तुम उसी तरीके से अपनी बॉडी से अलग हो जाओगे बिना किसी दर्द के, जैसे पतझड़ की पत्ती जब गिरती है तो पेड़ पत्ती को दर्द नहीं होता है, समझ गए। इसलिए डिज़ायर्स को ख़त्म करो और पत्ती की तरह गिर जाओ। थैंक यू।